मंजीत कुमार सिंह, तो मंजीत कुमार सिंह और सुषमा सिंह और अंजलि आकाश, ये आप सबको मैं बोल रही हूँ कि अपने लिमिट में रहिए, औकात में। जो आप लोग बोल रहे हैं ना मुझे औकात में रहिए, तो ये चीजें आप लोगों में लागू होता है कि आप लोग अपने लिमिट में रहिए, डोंट ट्राई टू क्रॉस योर लिमिट अदरवाइज। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग। तो गाइज, ये वाला ब्लॉग मैं आज सिंगल अकेले अभी बैठ के बना रही हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा हमारा पिछला ब्लॉग, जो भी हमारा कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है अभी अंजलि आकाश ब्लॉग से। सो उन्होंने फिर से एक वीडियो बनाया है और फिर से वही सारी बातें, सेम चीज़ें। और उन्होंने ये भी बोला है कि इसमें रोने वाली क्या बात है, रो रही हो मतलब क्या है क्या नहीं। तो मैं उनको बता दूँ, कुछ कमेंट्स भी आए थे मेरे पास, मैंने आपको दिखाया स्क्रीन में, तो उन्होंने भी लिखा है कि ये ओवर एक्टिंग बंद करो और रोने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं बता दूँ कि मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि उन्होंने वैसा बोला, मैंने भी रिपीट किया है बार बार अपने ब्लॉग में। शायद आपने अगर अच्छे से नहीं सुना है तो इसमें मेरी गलती नहीं है, आपने नहीं सुना क्योंकि मैंने रिपीट किया है बार बार कि मेरे बच्चों का तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा उस टाइम इमोशनल हो गई थी बस। बाकी किसी के लिए मैं, मुझे रोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका जवाब आपको मिल गया कि मैं क्यों रो रही थी। दूसरी बात कि कुछ उन्होंने बोला कि मॉम, हाँ कुछ माँ पे आता है बात कि उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो दो दो चैनल चलाती हैं, बेबी है उनके साथ। मैं बता दूँ कि उन्होंने ये भी बोला है कि आप ये मत बोलना कि आप भी एक मॉम हो और ये सब डिस्ट्रैक्ट। तो मैं ये भी मत बोलने का क्या मतलब, मैं भी एक मॉम हूँ और मेरे आपके एक बच्चे हैं तो मेरे दो दो बच्चे हैं। जिम्मेदारियाँ सबको होती हैं, आप हो चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, उस वो कोई टॉपिक ही नहीं बनता है बोलने का। अगर आप माँ हैं तो मैं भी माँ हूँ, बात यहीं पे ख़त्म होता है, ज़्यादा इसको खींचते नहीं हैं। दूसरी बात कि कमेंट्स बहुत ही गंदे आए हैं, गंदे कुछ गंदे लोग हैं जिन्होंने कमेंट्स किया है, कमेंट्स में बहुत ज़्यादा बकवास किया, मैंने आपको स्क्रीन में दिखाया कुछ। तो मैं आपको बताती हूँ नाम पढ़ के, ये कोई सुषमा सिंह है, सुषमा सिंह। तो सुषमा सिंह जी, आपने जो कमेंट किया है, मैं आपको, बाकी मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उनको पढ़ के सुनाती हूँ कि क्या ड्रामा करना चाहते हो आप लोग। उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, ठीक है ना, और रोने लगे तुम, जस्ट इमेजिन अगर तुम लोगों का पेरेंट्स नहीं मानते तो क्या करते, या तो एक क्या लिखा है, नहीं मानते या तो एक दूसरे को छोड़ देते फिर भाग जाते। अंजलि ने तो बस यही बोला कि कोई ना कोई मजबूरी होती होगी, लोग ऐसे स्टेप लेते हैं, शायद तुम लोगों के पास ये प्रॉब्लम होती तो समझते। ठीक है ठीक है, हमारे पास वो प्रॉब्लम नहीं आई तो हमने समझा नहीं, ठीक है। आपके पास प्रॉब्लम आई तो शायद ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को। तो हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं रोई इसलिए थी क्योंकि मेरे बच्चों का तबीयत ठीक नहीं था। दूसरी बात थी कि किसी के कहने से मैं रोने वाली नहीं हूँ, कोई भी बकवास करे, मैंने फुल जवाब दिया था अंजलि को। और यहाँ तक जो आप बोल रही हैं कि क्या ड्रामा है, क्या ये सब है, तो ये सारी बातें मैं आपको बता दूँ कि कोई भी ड्रामा नहीं है। तो बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं कि क्या बोलते हैं कि 4 दिन भी नहीं हुआ आप लोगों की ज़िंदगी का, इतने 20 के 25 फ़ोन ख़रीद लेते हो, वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हो। अरे तो हम अपने, हम 2 दिन 4 दिन भी नहीं हुआ ज़िंदगी का, आपको पता है हमारी ज़िंदगी का 2 4 दिन नहीं हुआ, आपके ज़िंदगी का कितना दिन हुआ है और ये क्या है, इतने इतने का मोबाइल खरीद लेते हो, वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हो। एटलीस्ट हमने वीडियो बनाना स्टार्ट तो किया, कुछ भी आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, किसी के वीडियो में जाके गंदे गंदे कमेंट्स, किसी को भला बुरा बोलना, आप लोग क्या कर रहे हो यार, सोचो कितनी गंदी सोच है आप लोगों की। हाँ, बकवास बकवास कमेंट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना, वही फ़ोन हमने खरीद कर हम अपना डेली लाइफ स्टाइल शेयर कर रहे हैं लोगों से, लोगों को हंसाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, लोगों को रुलाने का, ये क्या है, 40 का हुआ नहीं, शादी के 40 का हुआ नहीं, लेकिन बात तो ऐसे बोल रहे हो जैसे लगता है कि पूरी ज़िंदगी बिता दी, लव मैरिज कर ली तुम लोगों ने, वो इतना समझ है ये वो। अरे अभी बच्चों का डायपर ठीक से नहीं पाते, बदल पाते हो और आके ज्ञान बांट रहे हो, तो भाई डायपर नहीं बदल पाते तो क्या आप आकर डायपर हमारे बच्चों का बदलते हैं क्या,
डायपर हम ही बदलते हैं, खाना हम ही खिलाते हैं, जो भी है। तो हम खुद अपनी ज़िंदगी को हम चला रहे हैं, अपने बच्चों को हम देखभाल कर रहे हैं, आप नहीं देखभाल कर रहे। तो डायपर कैसे बदलते हैं, आता नहीं है, नहीं आता है, आता है। तो फालतू का बात मत करें, ठीक है? दूसरों को ज्ञान मैं नहीं बांट रही हूँ। और क्या ड्रामा जानते हो, करना जानते हो आप लोग, ये सब, ये एक्सक्यूज़ मी सुषमा सिंह। तो मैं आपको बताऊं कि मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ, ठीक है? और आपको अगर लगता है ड्रामा, तो आपके माइंड में वो चीज़ चल रही है कि ड्रामा है, ये ड्रामा नहीं है। और मैं रोई इसलिए हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों का तबीयत ख़राब था उन दिनों, इसीलिए मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। बाकी किसी के बकवास से मैं नहीं रोई हूँ, और किसी की सिंपैथी लेने के लिए मैं नहीं रोई थी। और मैं रोई थी बहुत ज़्यादा, अगर मैं चाहती तो वो सारी चीज़ें मैं शूट करके वीडियो में डाल सकती थी, पर मैंने वो हमने वो सब कुछ किया नहीं, ठीक है? तो अगर आपके बच्चे, होंगे और आपके बच्चे बीमार होंगे, उनकी तबीयत ख़राब होगी, तब ये बात आपको समझ में आएगी, अभी नहीं समझ में आएगी। मुझे नहीं पता कि आपकी शादी हुई कि नहीं हुई और आपके बच्चे हैं कि नहीं हैं, लेकिन अगर आपकी शादी हो गई है और अगर आपके बच्चे हैं और बच्चे बीमार पड़ते हैं, तो आपको क्या लगता है, तो क्या आप रोते नहीं हैं? और अगर आपकी शादी नहीं हुई है और अगर आपके बच्चे नहीं हैं अभी, तो इन फ्यूचर आपको पता चलेगा, जब आपकी शादी होगी या फिर शादी होगी या फिर बच्चे नहीं हैं, तो बच्चे होंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, जब बच्चे बीमार पड़ते तो पेरेंट्स पे कैसा फील होता है, मन में कितना दुख होता है, तकलीफ होता है, ठीक है? बस। और एक बहुत ही वाहियात कमेंट आया था, बहुत ज़्यादा वाहियात, तो वो कमेंट उन्होंने अपना शायद रिमूव कर दिया, हटा दिया वो कमेंट्स। और जब हमने उसमें रिप्लाई करने, गए, तो हमारा रिप्लाई भी नहीं जा रहा था, ठीक है ना? तो हमने स्क्रीनशॉट ले लिया था वो उस कमेंट्स का पहले ही। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन है, कौन वाहियात इंसान है, एक नंबर का। तो गाइस आपको देखते हैं, बहुत ही वाहियात इंसान है वो, और बहुत ज़्यादा डरपोक भी इंसान है वो। उसने कमेंट किया है, उसका नाम मैं दिखाती हूँ आपको, मनजीत कुमार सिंह। उसका नाम है मनजीत कुमार सिंह, सुनो अगर सुन रहे हो तो ज़रूर सुनना। लिखा है, मिस्टर बीवी का दलाल लिमिट में बात करो, जो तुम्हारे चैनल है वो 100 रुपये में बिक जाएंगे, इसीलिए अपना लिमिट मत क्रॉस करो, ठीक है? और अगले कमेंट्स का वेट मत करना, सीधा अपना चैनल डिलीट कर देना, अब पालतू बेकार कंटेंट डालकर चूतिया बनाते हो, साला तू है, तुझको तुम करने का क्या जरूरत है, तू ऑलरेडी है वो चीज़, ठीक है? और बीवी का गुलाम एक सिर्फ दलाई बोलता है, जरा जानकर लेते तो प्लीज़ कनेक्ट कर लेना, धमकी मत समझना, सब्सक्राइबर हो कर बोल रहा हूँ, होप यू शुड अंडरस्टैंड। बहुत, हम तो बहुत डर गए हैं, क्या है मनजीत कुमार, तो मनजीत कुमार बहुत डर गए हम। ओहो, धमकी मत समझना तो क्या समझना, बड़ा ही वाहियात किस्म का ये, इसका जो वर्ड है वो वर्ड मैं यूज़ नहीं कर सकती अभी, पर वो इंसान है जो ये बोल रहा है ना कि डैश मत बनाना, तो वो ये इंसान है, ठीक है? और इसका जो चैनल है वो वही है। और कुछ मुझे लगता है कि जितने भी सब्सक्राइबर हो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस इंसान के कमेंट्स पे बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा है, और ये बोल रहा है कि अगले कमेंट का वेट मत करना। तो इसको अगर इतना ज़्यादा हिम्मत वाला है, तो फिर इसने अपना जब हम रिप्लाई कर रहे हैं तो फिर रिप्लाई भी नहीं जा रहा है, तो इसने हमें ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है? तो ये इंसान खुद एक डरपोक इंसान है। हती चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार, तो कुछ इस तरह के ही ये लोग जो भौंक रहे हैं अभी, ठीक है? और ये हमारे चैनल को 100 रुपये का चैनल बोल रहे हैं। भाई हमारा चैनल 100 रुपये का हो या 2 रुपये का हो, हमारा अपना है, हमारी मेहनत है उसमें, ठीक है? शुरू से हमने जो भी हमने अभी 2 साल अपने चैनल में दिया है, तो वो सारी हमारी मेहनतें हैं, जो भी हैं, 100 रुपये का हो चाहे 200 का हो, ठीक है? एटलीस्ट हम अपने चैनल को तो चला रहे हैं ना, आप क्या करें दूसरे के चैनल में, दूसरे के ब्लॉग में जाके इस टाइप का वाहियात बात। हाँ, तो आपकी भी गलती नहीं है, तुम लोगों की ना, आप, मैं क्यों वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ऐसे इंसान के लिए ना तू भी बहुत बड़ा वर्ड है।
तो तुम लोगों का ना जो संस्कार वही है, वैसे ही तुम संस्कार में पले हो जैसे तुमने कमेंट किया है, ठीक है? तो अपने लिमिट में तुम रहो। तुम्हारी सब ना ये बातों से मैं या फिर मेरी जूती भी ना डरे, ठीक है? मंजीत कुमार, मंजन करके आना नेक्स्ट टाइम, दम है तो और कमेंट करो, और कमेंट करो, दम है तो कमेंट मूड अपना कमेंट करो, ब्लॉक मत करो किसी को, कमेंट करके भागो मत डरपोक, कमेंट करके खड़े रहो ना। जब कुछ बोलोगे तो बोलने ही जैसे आते हैं तो सुनना भी सीखो कान खोल के, ठीक है? तो सुनो भी सामने वाला का बात, सामने वाला इतना वो नहीं है कि तुम कुछ भी बोल के निकल जाओगे और सामने वाला तुम्हारा बात सिर्फ सुनेगा और चुप रहेगा, ठीक है? एक और कमेंट किया इसमें, और एक बात ये जो रो रही है, ओवर एक्टिंग कर रही, पूछ लेना अपने माँ से, मिस्टर कैसे लड़ते ही उसने सब पता है तुम्हारे, अब मेरे से अपना पूरा लाइफ का हिस्ट्री मत खुलवाओ। एक्चुअली मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ, और अगर तुमको मेरी लाइफ का सारा हिस्ट्री पता है तो प्लीज़ ओपन, प्लीज़ खोलो सोशल मीडिया पे, मैं भी जानूँ कि मेरे लाइफ का हिस्ट्री क्या है। और माँ, अपनी माँ से मिस्टर कैसे लड़ते हैं उसे उसने सब पता है तुम्हारे। भाई हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तो हमने अपने चैनल में एक डेली ब्लॉग जब हमने स्टार्ट किया अपने लाइफ का सब कुछ, तो ये सबके बस की बात नहीं है डेली ब्लॉग डालना, हमारे घर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये सारी बातें पूरी पब्लिक में शेयर करने का वो हिम्मत सब में नहीं होता है, ठीक है? मोबाइल सबके पास होता है लेकिन इस टाइप का हिम्मत सब लोग नहीं बना सकते वीडियोस, और सब लोग नहीं डाल सकते हैं अपने घर की जो भी होता है एक्टिविटीज़। सो हमने डाला है और सब कुछ, ठीक है? और इतना दम है तुम्हारे में, इतना दम है तुम्हारे में, तो करो, क्या एक्शन लोगे, लो दिखाओ, आई एम वेटिंग। बकवास मत करना, मेरे पास टाइम नहीं हो रहा था कि मैं रिप्लाई करूं, वीडियो बनाऊं, और मैं ये बोलूंगी कि अभी भी मेरी बच्ची का तबीयत खराब है तो तुम लोग बोलोगे कि साली झूठ बोलती है, तुम लोग बोलोगे कि झूठ बोलती है सिंपैथी के लिए, हमेशा इसके बच्चे का तबीयत खराब होता है, तो ये चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी, ठीक है? और अंजलि आकाश का जो भी सीन चल रहा है तो ठीक है, उसका सीन चल रहा है तो वो लोग बात कर रहे हैं पर वो एक लिमिट में है, अपनी लिमिट वो भी क्रॉस नहीं कर रहे, वो बोल रहे थे उसका जवाब मैं भी लिमिट में दे रही हूँ। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा सेंस नॉनसेंस आ जा रहे हैं ना, जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा सेंस है, दे आर कॉल्ड नॉनसेंस, तो ये कुछ नॉनसेंस लोग हैं, मंजीत कुमार, सुषमा सिंह, यू बेवकूफ, तो ये सारी चीज़ें मत करो तुम लोग, ठीक है? लोगों को समझो, अगर समझ में नहीं आता है तो हमारे वीडियोज मत देखो, बैक हो जाओ, बहुत सारे वीडियो हैं तुम्हारे पास देखने के लिए, हमारे वीडियोज को देख के बकवास यहाँ पे करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है किसी को, ठीक है? तुम्हारे वीडियोस देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। और एक बात की अंजलि ने बोला है कि अगर हमारे पास वैसा सिचुएशन आ जाता है, एकदम सीना ठोक के बोला है कि, तो हम लोग क्या करते हैं वैसे सिचुएशन में, हाँ, घर छोड़ने का, भागने का, इस टाइप का। तो अंजलि मैं आपको बोलना चाहूंगी कि तब हम नहीं भागते, तब भी हमारा डिसीजन यही होता, ठीक है? और आप बोलेंगे कि बस ऐसे ही बोल दिया, तो अब किसी भी चीज़ में आप लोगों को वो नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा मेरी किसी भी बात में, मैं जो भी बोलूँगी ना आप घुमा फिरा के उसको फिर गलत प्रूफ करोगे, तो बस मैं यही बोलूँगी ना, मैं भी क्लियर एकदम से वन शॉट में, कि अगर उस टाइप का सिचुएशन हमारे पास आता, मजबूरी अगर कुछ उस तरह का होता, तो हम वो चीज़ें कभी ना करते, कभी भी ना करते, भले हम हमारी शादी ना होती, हम एक दूसरे से मिलते नहीं, लेकिन उस टाइप का स्टेप हम कभी भी नहीं उठाते। और मैं एक और बात बोलूं कि इस टाइप का जो आप बकवास बोल रही है ना, तो बकवास ही है ये, और अभी भी मैं बोलूंगी कि ये सारी बातें गलत हैं, पेरेंट्स के खिलाफ जाना बहुत ज़्यादा गलत है, इस टाइप का स्टेप आप कभी मत लो, और अगर कोई लेता भी है तो उनको समझाइए आप बस,
बाकी का मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं अभी बोल रही हूँ कि मेरी शोना का तबीयत अभी ठीक नहीं है, उसको फीवर हो रहा है बिकॉज कि उसको दांत निकल रहा है, तो इसीलिए उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उसी में लगी हुई हूँ। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि मैं डेली ब्लॉग वगैरह भी नहीं शूट कर पा रही, नहीं डाल पा रही हूँ, ठीक है। ये सारी बातें हैं, बाकी मैंने बोला जो भी यहाँ पे फालतू के लोग हैं जिन्होंने फालतू बातें बोली हैं, तो ये फालतू बातें अपने पास रखना, और एटलीस्ट हम मोबाइल लेकर अपना लोगों को हंसाने का या एंटरटेन करने का काम तो कर रहे हैं, और आप लोग मोबाइल लेके क्या कर रहे हो, दूसरों की वीडियोस में जाके बकवास कर रहे हो, दूसरों को ज्ञान बांट रहे हो, ज्ञान तो आप लोग बांट रहे हो, ज्ञान हम नहीं बांट रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सोच समझ के बोलो, किसको बोल रही हो वो भी बोलो, क्योंकि ये उपासना है और उपासना जवाब देने से पीछे कभी नहीं हटती, तो लेट से जवाब आपको मिलेगा ही, और नेक्स्ट अगर आपने फिर भी कुछ भी बोला तो फिर भी मैं जवाब दूंगी, हाँ लेट हो जा रही हूँ मैं, कारण बताऊंगी तो सेम वही कारण है, और लेट हो जा रही हूँ जवाब देने में, पर कोई बात नहीं, लेट सेट ही सही, पर मैं जवाब दूंगी, ठीक है ना। और अंजलि एक और बात मैं आपको बोलूंगी कि आप एक मॉम है तो मैं भी एक मॉम हूँ, आपने बोला कि ये मत बोलना, पर मैं बोलूंगी क्योंकि मैं भी हूँ, ये रियलिटी है, और आप एक बच्चे की माँ है तो मैं दो बच्चे की माँ हूँ, ठीक है। तो मुझे जिम्मेदारियाँ और मुझे ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कि मैं मेरा शेड्यूल क्या है और मैं क्या ड्रामा कर रही हूँ, झूठ मूठ का रो रही हूँ या क्या कर रही हूँ, ये सारी बातें। अगर वीडियो आपने सही से मेरा वॉच किया होता, अगर आपने आपने सुना सही से कि मैंने ये बात बोली है बार बार, दो तीन बार, कि मेरे बच्चों का तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे थोड़ी सी इमोशनल हो गई हूँ और रोई मैं कुछ ज़्यादा ही थी, लेकिन वो सारी वीडियो हमने नहीं डाला, क्योंकि अगर इतना सही डालने पे आप लोग तो ड्रामा बता रहे हो, और वो सारी वीडियो डालते तो आप लोग तो पूरा बवाली कर दे रहे, ठीक है। मंजीत कुमार सिंह, तो मंजीत कुमार सिंह और सुषमा सिंह और अंजलि आकाश, ये आप सबको मैं बोल रही हूँ कि अपने लिमिट में रहिए, औकात में, जो आप लोग बोल रहे ना मुझे औकात में रहिए, तो ये चीज़ें आप लोगों में लागू होता है कि आप लोग अपने लिमिट में रहिए, डोंट ट्राई टू क्रॉस योर लिमिट, अदरवाइज आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या क्या बोल सकती हूँ, मुझे डर नहीं लगता किसी से, ठीक है ना। चलिए इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, बकवास करने से पहले सोच लेना फिर से।